रायगढ़ जिंदल स्टील प्लांट से सरिया लोडकर प्रयागराज के लिए रवाना हुए ट्रेलर क्रमांक CG04 LQ8575 के चालक राजेश कुमार पिता चंद्रवती राम निवासी आजमगढ़ की संदिग्ध परिस्थितियों में लुड़ेक झंडा घाट में लाश बरामद हुई है। बदमाशों ने चालक के शव को कपड़े में लपेट कर ढक दिया था और सड़क से घसीट कर नीचे घाट में फेंक दिया है। शव की स्थिति को देखते हुए शव सप्ताह भर पुराना होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शव की सही स्थिति का आकलन किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिंदल स्टील प्लांट से सरिया लोडकर प्रयागराज के लिए रवाना हुए ट्रेलर क्रमांक CG04 LQ8575 के गायब होने के बाद चालक के परिजनों एवं ट्रेलर मालिकों द्वारा रायगढ़ से पत्थलगांव तक के प्रमुख जगहों पर स्थापित कैमरों के फुटेज एवं रास्ते के होटल और ढाबों पर तलाश शुरू करने पर ट्रेलर पत्थलगांव शहर होते हुए तमता के रास्ते लुड़ेक झंडा घाट के रास्ते होते हुए आखिरकार बाग बहार की तरफ रास्ते में लावारिस खड़ी मिली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को डूमर बहार इलाके में ट्रेलर से सरिया खाली होने एवं सरिया काटकर छिपाए जाने की जानकारी मिल रही है। कथित तौर पर सरिया को बेचने की फिराक में घूम रहे डूमर बहार इलाके से ही एक संदिग्ध व्यक्ति को भी बागबहार थाना में पूछताछ के लिए लाया गया है। अंदेशा जताया जा रहा कि चालक के रायगढ़ से निकलते ही रास्ते में ही चालक की हत्या कर वाहन में रखकर पत्थलगांव शहर होते हुए तमता के रास्ते लुड़ेक झंडा घाट तक लाकर फेंक दिया गया। पत्थलगांव से अंकित अग्रवाल की रिपोर्ट। के लिए जा रहा था, हमने इसको रायगढ़ से 19 तारीख को लोड करवाया गाड़ी को और 3:30 बजे वहां से रवाना किया। रवाना करने के बाद क्या होता है कि हम लोग गाड़ियों में GPS लगा के रखते हैं क्योंकि कंपनी बड़ी है, गाड़ियां कई हैं तो उसमें GPS लगता है। GPS हम लोग लोकेशन लेते रहते हैं। तो जब हमने तो 19 को तो रवाना किया गाड़ी, तो 20 को तो चेक किए शाम को, तो GPS का लोकेशन नहीं बता रहा था। मिर्जा पत्थलगांव थाने के पास है एक फुलेता गांव, इधर से राइट गाड़ी घूमी हुई दिख रही है तमता गांव की तरफ क्योंकि जाना चाहिए अंबिकापुर की तरफ। तो उसके हिसाब से हम लोग 22 तारीख को सुबह निकले गाड़ी ढूंढने के लिए क्योंकि हमको अनहोनी होने की आशंका हुआ। तो उसके हिसाब से हम लोग 22 तारीख को सुबह निकले, फिर जहां तक हमारा GPS लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वहां तक आए, वहां के लोगों से पूछताछ किया तो वहां लोगों ने बताया कि आगे आप चले जाइए तमता में, एक CCTV फुटेज है वहां जाइए आप लोग पता करिए। तो गए हम, पंकज मेडिकल स्टोर है वहां पे, मैंने CCTV फुटेज दिखा तो वहां पे गाड़ी हमारी 10:42 ऐसे लमसम 10:30 बजे पार कर रही थी गाड़ी। उसके बाद फिर हम लोग गए एक शेखरपुर गांव होता है, शेखरपुर पे कंप्यूटर की दुकान थी, वहां पे मैंने फुटेज देखा। उसके बाद हम लोग सोचे हो सकता है गाड़ी कांसाबेल कुनकुरी साइड में गई हो, तो वहाँ भी गए हम लोग एक दिन पूरा वहाँ का CCTV फुटेज देखे। CCTV फुटेज देखने के बाद फिर वहाँ हम लोग वापस आए, तो फिर यहाँ पे त्रिकुटी चौक पे SP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने CCTV फुटेज 23 तारीख को देखा, 23 तारीख को रात 9 बजे। तो वहाँ पे हमको गाड़ी 19 तारीख और 20 तारीख को रात में 12:51 पे गाड़ी जाती हुई दिखी। तो रात हो गया था, हम लोग सोचे कि अब जंगल साइड में नहीं जाएंगे। उसके बाद आ गए हम लोग होटल पे रुके, उसके बाद शाम को फिर सुबह हम लोग निकले वहाँ पे। तो जहाँ से पत्थलगांव थाना समाप्त होता है उसके बाद ही जहाँ वो बाग बहार थाना शुरू होता है वहीं पे हमको गाड़ी मिली। तो उसमें हमने देखा कि भाई ड्राइवर हमारा नहीं है, माल हमने वहाँ से 33 टन लोड करवाया था, 11 बंडल सरिया थी, 8 बंडल सरिया बची थी, 3 बंडल सरिया हमारा लमसम 13 टन सरिया गायब था। ड्राइवर को हम लोग ढूंढे नहीं पता चला। फिर हम लोग गए वहाँ पे बाग बहार थाने में, इसका सूचना दी, लिखित सूचना दी, उसके बाद हमारे पास रिसीव है। उसके बाद वो लोग बोले ठीक है हम मदद करेंगे आपका। उसके बाद फिर हो गया 24 तारीख बीत गया, 25 तारीख को फिर हम लोग यहाँ पत्थलगांव थाने में आए, सूचना मिली सरिया जब्ती हुआ है। उसके बाद आए 25 तारीख को यहाँ बैठे रह गए, बोले ठीक है बात करते हैं यहाँ पे। बात करने के बाद उसके बाद 2-3 बजे फोन आया वहाँ से दरोगा साहब का कि यहाँ आपकी डेडबॉडी मिली है, आप आके देख लीजिए। तो हम लोग वहाँ पे गए, ड्राइवर के परिजन भी थे वहाँ पे, तो हम लोग पहुँचे झंडा घाट में, हम लोगों को गाड़ी मिली, उसके बाद यहाँ लेके आए पत्थलगांव थाने। सर पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग बता सकते हैं इसमें? सहयोग तो हमको ना के बराबर ही लग रहा है क्योंकि हमको गुमराह किया गया सर। जैसे कि ये परिजन ने बताया कि अगर हमको 23 तारीख को ही बता दिए होते सरिया की गाड़ी चोरी हुई है। और उसके बाद सर एक बात ये भी है, जैसे कि मान लीजिए बोल रहे हैं सरिया हमने जब्ती किया है, तो सरिया सर जब्ती का मतलब होता है 105 में आप अगर जब्ती करोगे तो इसमें आप उसको हानि नहीं पहुंचा सकते हो, जिस हालत में है उसी हालत में आप जब्ती करोगे। लेकिन जो सरिया जब्त हुआ है यहाँ पे तो 24-25 फीट की सरिया थी, उसको 2 भागों में काट करके गज कटर से यहाँ पे गांव के जो झंडा घाट है वहाँ पर कल एक लवारिस लाश बरामद हुई थी। हम लोग का पहले से ही अनुमान था कि 2-3 दिन पूर्व जिसकी गुमशुदगी की सूचना थी उस की ही हम लोग तलाश में गए हुए थे, और उसकी सूचना तस्दीकी में जाने के उपरांत पता चला परिजनों को बुलाने के बाद कि वो जो लाश थी वो जो ड्राइवर थे, ट्रेलर के ड्राइवर थे, उनकी पाई गई थी। फिर उसके बाद फिर जो कार्रवाई थी पहले से ही थाना बाग बाहर में 24 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट उसमें दर्ज हो चुकी थी, फिर आगे की कार्रवाई उसमें प्रारंभ की गई। PM अभी हो चुका है, शॉर्ट PM का इंतजार है, और तत्काल उसमें डॉक्टर के इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसमें हत्या की जानकारी सामने आई है।
और उसमें आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाए।